गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग बिजनेस साइकिल्स कल डिस्कस कर रहे थे। उसमें देखे कि किस तरह से आपको इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएशंस होता है, ग्रोथ होता है, इकोनॉमी एक पीक पोजीशन पे जाता है, टॉप पोजीशन पे जाता है, उसके बाद फिर जो है वो फॉल करना स्टार्ट होता है, रिसेशन होता है और फिर डिप्रेशन होता है, फिर आपको ग्रो होता है, पीक पे जाता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है। इस तरह से जो है बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल चलते रहता है। तो हम लोग को इसमें जो आज जानना है वो चीज़ ये जानना है कि आपको डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन का सिचुएशन होता है या फिर जो रिसेशन का सिचुएशन होता है उसमें आपको क्या होता है। तो रिसेशन हम लोग उस सिचुएशन को बोलते हैं जहाँ पे सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगा डिमांड से। यदि आपको सप्लाई जो है डिमांड से ज़्यादा है तो वो हो गया आपको रिसेशन का सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे सप्लाई जो है ये है एग्रीगेट सप्लाई, याद रखना है, ये जो है एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं, जो कि किन्स ये कॉन्सेप्ट जो है, जेम किन्स जो है ये कॉन्सेप्ट को लाया था, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको सिंपल में ये समझना है कि रिसेशन में क्या होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन उसको खरीदने वाला जो है नहीं रहता है। और चूंकि यदि खरीदने वाला नहीं है, गुड्स एंड सर्विसेज बिक्री नहीं हो रही है, तो क्या होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है कम हो जाएगा। कोई भी इन्वेस्टर जो है, कोई भी बिजनेसमैन जो है, कोई भी प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करना नहीं चाहेगा गुड्स एंड सर्विसेज को, और उससे क्या होता है आपको प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कम होता है एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी बढ़ जाता है। कंपनी क्या करता है, नया एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करता है और जो पहले से काम कर रहा है उसको जॉब से निकाल देता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिडक्शन इन प्रोडक्शन, ठीक है, ये आपको दो मेन आपको कंसिक्वेंस होता है, आपको रिजल्ट होता है रिसेशन का। और वहीं जब आपको बहुत ही डीप में चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। तो हम लोग ये देखें यहाँ पे कि डिप्रेशन में क्या होता है, आपको मंदी में क्या होता है, इकोनॉमिक मंदी में, इकोनॉमिक रिसेशन में एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, सप्लाई ज़्यादा होता है एंड डिमांड कम होता है, खरीदने वाला उसको कम होता है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं नो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 स्टोरी। नो जो आपको हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था वो 1929 में हुआ था, और इसलिए इसको हम लोग ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन बोलते हैं 1929 का। तो इसको हम लोग देखते हैं क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो आपको बर्थ हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट आया है वो ग्रेट डिप्रेशन से रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग ग्रेट डिप्रेशन को समझेंगे कि ये कब हुआ था, इसमें क्या हुआ था और फिर कैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ से जो है आपको इन्वेंशन हुआ, उसको हम लोग देखेंगे। नाउ विकिपीडिया से ये जो है कुछ कंटेंट लिया गया, इसको देखते हैं। ग्रेट डिप्रेशन वाज अ सीवियर वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन दैट टुक प्लेस मोस्टली ड्यूरिंग द 1930s। ग्रेट डिप्रेशन जो है आपको महामंदी जो है 1930s में आया था, बिगनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और ये सबसे पहले जो है आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आया था, पहले USA में आया था और फिर धीरे धीरे जो है ये पूरा यूरोप में भी आपको फैल गया। The timing of the Great Depression varied across the world. In most countries, it started in 1929 and lasted until the late 1930s. यानी कि 1930 के बाद आपको 38 तक, ठीक है, 1929 से लेकर के और लगभग 1938-39 तक जो है ग्रेट डिप्रेशन का जो इफेक्ट है वो आपको रहा, यानी कि लगभग 10 years, और ये बहुत बड़ा आपको टाइम पीरियड है। इसमें बहुत ही आपको जो है बेरोजगारी बढ़ा, बहुत ही आपको भयावह स्थिति जो है आपको अमेरिका में एंड यूरोपियन कंट्रीज में हो गया था। ना टाइम पीरियड अगस्त 1929 से मार्च 1933, ये आपको 4 साल जनरली आपको
डिप्रेशन जो है ये आपको पिक पोजिशन पे था, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो आपको 1938 तक जो है इसका रहा है। ना ड्यूरेशन क्या था, मंथ्स कितना, 43 मंथ्स। ग्लोबल जीडीपी डिक्लाइन 20-26.7%, और इस डिप्रेशन के चलते जो पूरा दुनिया का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, इनकम जो है, वो -26.7% कम हो गया। पीक ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट 24.9% 1933 में, और जो बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो आपको 24.9% यानी कि 25% आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी आपको बढ़ गया 1933 में। तो ये आपको ग्रेट डिप्रेशन का कंसीक्वेंस था। टाइमलाइन, अब हम लोग ग्रेट डिप्रेशन को एक एक करके हम लोग टाइम के अनुसार हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स के अनुसार हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ना ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्टेड विथ स्टॉक मार्केट क्रैश ऑन 24 अक्टूबर 1929। जो ग्रेट डिप्रेशन आपको स्टार्ट हुआ वो 24 अक्टूबर 1929 को स्टार्ट हुआ, और ये स्टार्ट हुआ स्टॉक मार्केट क्रैश। तो जो आपको जो मेन आपको पॉइंट है ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट होने का, वो आपको स्टॉक मार्केट क्रैश से स्टार्ट हुआ है। उसके पीछे बहुत सारा रीज़न था कि यूएसए का जो इकोनॉमी था बहुत ही पीक पे चला गया था, उसका काफ़ी एक्सपेंशन हुआ था, काफ़ी ग्रोथ हुआ था, और उसके बाद जो है ये स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है। धीरे धीरे जो इकोनॉमी नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हुआ, उसके पीछे बहुत सारा आपको रीजन्स है। लेकिन जो आपको जो मेन आपको स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग ग्रेट डिप्रेशन का जो मेन प्रभाव, जो मेन इफेक्ट स्टार्ट हुआ, वो स्टॉक मार्केट क्रैश से ही हुआ है। लेकिन उससे पहले से ही धीरे 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 जो है आपको इकोनॉमी जो है रिसेशन की तरफ अमेरिका में बढ़ रहा था। तो ये आपको स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग फेज है। तो 24 अक्टूबर 1929 को स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। हम लोग जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर है वो शेयर्स को बेचता है, खरीदता है, और उससे क्या होता है, इन्वेस्टर के पास में जो है पैसा आता है, पैसा आने से वो इन्वेस्ट करता है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है। तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। स्टॉक मार्केट क्रैश का मतलब क्या हुआ कि सडनली अचानक यदि आपको बहुत ज़्यादा शेयर्स को बेचा जाए, स्टॉक्स को बेचा जाए और ख़रीदा जाए, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे आपको स्टॉक मार्केट क्रैश। ये सडनली होता है। और रिकॉर्ड 12.9 मिलियन शेयर्स वे ट्रेडेड दैट डे नोन एज ब्लैक थर्सडे। और 12.9 मिलियन शेयर्स किस दिन हुआ था, 24 अक्टूबर 1929 को 12.9 मिलियन शेयर्स को आपको ट्रेड किया गया, बेचा गया, खरीदा गया, और इसीलिए उस दिन को बुलाते हैं ब्लैक थर्सडे। उसको ब्लैक थर्सडे के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसी दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, और वहीं से जो है आपको ग्रेट डिप्रेशन का प्रभाव स्टार्ट हुआ। 5 डेज लेटर ऑन अक्टूबर 29 और ब्लैक ट्यूसडे, और वहीं नहीं, फिर आपको 24 अक्टूबर को तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, फिर अक्टूबर 29 को, जिसको हम लोग ब्लैक ट्यूसडे बोलते हैं, सम 16 मिलियन शेयर्स, पहले 12.9 मिलियन था और अब हो गया है 16 मिलियन, सम 16 मिलियन शेयर्स वेयर ट्रेडेड आफ्टर अनदर वेव ऑफ पैनिक स्वेप्ट वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट जगह है जहाँ पे स्टॉक मार्केट है यूएसए का। तो 29 अक्टूबर को 16 मिलियन शेयर्स को फिर जो है आपको ट्रेड किया गया। मिलियंस ऑफ शेयर्स इंडेड अप वर्थलेस, और इसके अलावा जो मिलियंस ऑफ शेयर्स है वो आपको वर्थलेस हो गया, यूजलेस हो गया, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा जो है आपको प्राइस कम हो गया, नीचे चला गया, कि जो इन्वेस्टर्स है काफ़ी जो आपको लाखों इन्वेस्टर्स जो है वो लॉस में चला गया, शेयर मार्केट का वैल्यू नहीं रह गया, और इन्वेस्टर के पास में फिर जो है आपको पैसा ख़त्म हो गया, जो आपको कर्ज लिया था बहुत सारे इन्वेस्टर्स वो जो है डेप ट्रैप, कर्ज के जाल में फंस गया,
कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वैनिश्ड इन द वेक ऑफ द स्टॉक मार्केट क्रैश। और जो कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है, जो आपको खरीदने वाला, हम जानते हैं कि कंज्यूमर का बहुत ही लीडिंग रोल, मेन रोल होता है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, क्योंकि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, यही ये दो आपको इकोनॉमिक एजेंट्स जो है, इसका बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, बेचता है, एंड जो कंज्यूमर है उसको ख़रीदता है। तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जो है आपको ख़त्म हो गया स्टॉक मार्केट क्रैश से, और आदमी जो है अब ज़्यादा सोचा कि सेव करके रखे पैसा को, अब खरीदे नहीं, खर्च कम करें। द डाउन टर्न इन स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट लेड फैक्ट्रीज एंड अदर बिजनेस टू स्लो डाउन प्रोडक्शन। और इसके चलते क्या हुआ, आपको इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग खर्च करने पे और इन्वेस्टमेंट पे आपको काफ़ी बुरा असर हुआ इसका, और जो फैक्ट्रीज था, जो बिजनेसेस था, वो स्लो डाउन हो गया, फैक्ट्रीज सब जो है बंद होना चालू हो गया, प्रोडक्शन एक्टिविटीज जो है बंद होना चालू हो गया, एम्प्लॉयमेंट फेल डाउन, बेरोजगारी भी आपको काफ़ी नीचे चला गया। बाई 1932 15 मिलियन पीपल गॉट अनएम्प्लॉयड इन USA, और बाई 1932 में जो है 15 मिलियन पीपल जो है वो अनएम्प्लॉयड हो गया, बेरोजगार हो गया, फैक्ट्री सब बंद होने से, प्रोडक्शन एक्टिविटीज बंद होने से। राइजिंग नंबर्स ऑफ होमलेस पीपल बिकेम मोर एंड मोर कॉमन इन अमेरिका टाउन्स एंड सिटीज। जी हाँ, आपको जो होमलेस पीपल है, राइजिंग नंबर ऑफ होमलेस पीपल, जिसके पास घर नहीं था, रहने के लिए कोई घर नहीं था, जो किराया में पहले रह रहा था, और कोई ना कोई एक्टिविटीज़ में आपको, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व था, एम्प्लॉयर था, वर्क कर रहा था, और वर्क छूटने से अब उसके पास घर नहीं रहा, और वो जो है आपको टेम्प्रोरी जो है टेंट के सहारा आपको किसी तरह से बाहर में ही, स्ट्रीट पे ही उसको जो है गुजारना पड़ रहा था समय। सो राइजिंग नंबर ऑफ होमलेस पीपल बिकेम मोर एंड मोर कॉमन इन अमेरिका टाउन्स एंड सिटीज़। जो अमेरिका का जो टाउन्स था, जो सिटीज़ था, उस एरिया में आपको ज़्यादातर ऐसा हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको रेंट पे रह रहा था पहले, और अब वो ख़त्म हो गया, तो फिर जो है होमलेस बहुत सारे, आपको लाखों आदमी जो है होमलेस हो गया, और वो स्ट्रीट पे जो है उसको रहना पड़ा, गुजारना पड़ा, जो विलेज एरिया से, जो रूरल एरिया से आदमी आपको जॉब की तलाश में शहर आया था, उसमें वो लोग भी शामिल था। फार्मर्स कुड नॉट अफोर्ड टू हार्वेस्ट देयर क्रॉप्स एंड वेयर फोर्स टू लीव देम रोटिंग इन द फील्ड्स व्हाइल पीपल एल्सवेयर स्टार्व। फार्मर्स जो है वो हार्वेस्ट नहीं कर पा रहा था क्रॉप्स को, क्योंकि जो प्रोडक्शन यदि करता भी तो उसका जो है सेल होता नहीं, उसका खरीद हो नहीं रहा था, और इसीलिए जो है फार्मर्स जो है क्रॉप्स को खेत में ही छोड़ दे रहा था सड़ने के लिए, जबकि जो दूसरा पार्ट था अमेरिका का, जो दूसरा एरिया था, वहाँ पे आदमी जो है भूख से मर रहा था। तो ये एक सिचुएशन है, एक तरफ तो खेत में आपको अनाज जो है सड़ रहा है, उसको कोई खरीदने वाला नहीं है, और दूसरी तरफ जो है आदमी जो है भूखे मर रहा है, तो ये आपको बहुत ही बुरा हाल था। इन 1930 सीवियर ड्राउट्स इन द साउदर्न प्लेन्स ब्राउट हाई विंड्स फ्रॉम टेक्सास टू नेब्रास्का, किलिंग पीपल, लाइव स्टॉक्स एंड क्रॉप्स। जी हाँ, वही नहीं, ये जो ग्रेट डिप्रेशन था, ये और भी आपको गहरा हो गया और डीपली चला गया, क्योंकि जो नेचुरल कलामिटीज था आपको, वो भी वहाँ पे आपको कम नहीं था। ड्राउट्स 1930 में जो आपको ड्राउट्स आया था, जो सुखार हुआ था आपको साउदर्न प्लेन्स में, अमेरिका का जो साउदर्न पार्ट है, वहाँ पे आपको बहुत बड़ा जो आपको ड्राउट्स आया था, सुखार आया था, और जिसके चलते जो है वहाँ पे हाई विंड्स, वहाँ पे आपको हाई विंड्स तूफान आपको आया,
और धूल से भरा हुआ तूफान। जनरली जो टेक्सास एरिया है अमेरिका का, वहाँ से नेब्रास्का में इस एरिया में जो आपको धूल भरी तूफान जो है वो अक्सर आता था, और जिससे आपको आदमी को नुकसान होता था, जो आपको लाइव स्टॉक्स था, जो पालतू जानवर था, जो कॉस बुफेलोस ये सब है एंड क्रॉप्स, ये सब को भारी नुकसान उठाना पड़ता था इससे। तो आपको हाई विंड्स प्लस में डिप्रेशन दोनों भी आपको एक साथ चल रहा था। ये जो हाई विंड्स था, आपको धूल भरी आंधी जो था उसको डस्ट बॉल से जाना जाता है अमेरिका में, द डस्ट बॉल इंस्पायर्ड अ मास माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम फार्मलैंड टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। और इस डस्ट बॉल से, धूल भरी तूफान से जो आपको अक्सर वहाँ पे आ रहा था, इससे मास माइग्रेशन हुआ। जो विलेज एरियाज था, जो उस एरियाज में जो आदमी रहने वाला था, वो सिटीज़ की तरफ, शहर की तरफ जो है जॉब की तलाश में जो है आपको माइग्रेट करना चालू हो गया। एक तो शहर का स्थिति अच्छा था नहीं, डिप्रेशन के चलते ऑलरेडी जो है आपको प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बंद हो चुका था, फैक्ट्रीज बंद हो चुका था, बेरोजगारी बढ़ गया था, और प्लस में जो आपको विलेज एरिया, जो रूरल एरियाज का जो आदमी था, वो भी ड्राउट के चलते, सुखाड़ के चलते जो है, और धूल भरी आंधी के चलते जो है शहर की तरफ भागा जॉब की तलाश में। बाय अर्ली 1933 थाउजेंड्स ऑफ बैंक्स हैड क्लोज दियर डोर्स। 1933 के आसपास में हजारों बैंक्स जो था अमेरिका का, वो आपको बंद हो गया, उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि उसके पास में फंड ही नहीं था, उसके पास पैसा बचा नहीं कि वो जो है लोन क्रिएट करता, क्योंकि उसका जो पैसा था वो इन्वेस्टर जो है ले चुका था अपने हाथ में, और बैंक के पास में लिक्विडिटी था नहीं, उसके पास में कैश था नहीं कि वो जो है लोन या फिर दूसरा बैंकिंग एक्टिविटीज़ को कर पाता। और इसी के चलते आपको हज़ारों बैंक्स जो है और दूसरा जो फिनंशियल इंस्टीट्यूशंस है उसको बंद करना पड़ा। इन USA फ्रॉम 1929 टू 1933 अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज फ्रॉम 3% टू 25%। जो जस्ट आपको प्रीवियस स्लाइड में भी इस चीज़ को डिस्कस किए थे, आपको 1929 से 1933 ये चार साल में आपको 3% बेरोजगारी से 25% 1/4 जो पॉपुलेशन था उसका, 1/4 वर्कफोर्स का जो 1/4 पॉपुलेशन है वो आपको बेरोजगार हो गया, अनएम्प्लॉयड हो गया। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रोज फ्रॉम 3% टू 25% 25% बेरोजगारी रेट हो गया। एंड आउटपुट फेल बाय अबाउट 33%। और जो GDP था, जो आउटपुट था कंट्री का, जो नेशनल इनकम था, वो आपको 33% यानी कि एक तिहाई कम हो गया। ग्रेट डिप्रेशन का इतना बड़ा जो है कंसिक्वेंस, इतना बड़ा रिजल्ट जो है आपको हुआ। ये कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपको आदमी जो है बाहर में टेंट के सहारा जो है अपना जीवन यापन कर रहा था। ग्रेट डिप्रेशन का कुछ आपको पिक्चर्स यहाँ पे है जिसको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए आपको क्या कंडीशन है, खाने के लिए नहीं मिल रहा था। ये देखिए किस तरह से आदमी जो है माइग्रेट कर रहा है, विलेज एरिया से जो है शहर की तरफ जा रहा है पैदल ही, रोजगार की तलाश में, जॉब की तलाश में। ये देखिए धूल भरी आंधी जो है किस तरह से आता था, जिससे भारी नुकसान जो है उठाना पड़ा था ग्रेट डिप्रेशन में। ये देखिए उस धूल भरी आंधी के चलते जो आपको यहाँ देख सकते हैं कि घर, बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी जो है, व्हीकल्स, वो सभी जो है आपको अंदर जा चुके हैं, इतना भयावह स्थिति था। ये देखिए यहाँ पे टेंट के सहारा जो आदमी अपना जीवन यापन कर रहा है, किसी तरह से गुजारा कर रहा है, होमलेस पीपल है ये।
ना। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो ग्रेट डिप्रेशन का कहानी हम लोग देखे, अब हम लोग देखेंगे कि सेज लॉ ऑफ मार्केट, एक सेज लॉ ऑफ मार्केट है बहुत ही फेमस है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सेज लॉ ऑफ मार्केट्स इज द कोर ऑफ द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जेबी से वॉज ए फ्रेंच इकोनॉमिस्ट एंड एन इंडस्ट्रियलिस्ट, ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ एडम स्मिथ एंड जीन बैप्टिस्ट। से डेविड रिकार्डो जेबी से इनंशिएटेड द अपोजिशन प्रोपोजिशन दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हैंस देर कैन नॉट बी जनरल ओवर प्रोडक्शन और द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। नो, जो सेज लॉ ऑफ मार्केट जो है ये बहुत बड़ा जो है आपको डिप्रेशन को ये और डीप बना दिया और ही जो उसको ज़्यादा नुकसानदेह बना दिया, क्योंकि सेज लॉ जेबी से का कहना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हैंस देर कैन नॉट बी जनरल ओवर प्रोडक्शन और द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। जेबी सेज का ये कहना था कि जो सप्लाई होता है ना वो खुद का डिमांड भी क्रिएट कर लेता है, यानी कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा और उसको खरीदने वाला नहीं रहेगा इकोनॉमी में, ऐसा नहीं हो सकता है। खरीदने वाला हमेशा इकोनॉमी, कोई भी गुड्स यदि प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्शन होता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसको खरीदने वाला भी जो है आपको क्रिएट हो जाता है। तो यानी कि कभी भी ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, कभी बेरोजगारी जो है नहीं हो सकता इकोनॉमी में, और इसीलिए कभी भी डिप्रेशन नहीं आ सकता है, रिसेशन कभी नहीं आ सकता है, मंदी कभी इकोनॉमी में नहीं आ सकता है, और यदि आएगा भी तो वो जो है आपको लंबा टाइम में अपने आप ठीक हो जाएगा, लंबा टाइम में लॉन्ग पीरियड में अपने आप जो है ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सेज लॉ ऑफ मार्केट, और प्लस में एक चीज़ और था कि सेज जेबी सेज जो था वो एडम स्मिथ को, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, उसको फॉलो करने वाला था, फॉलोवर्स था, यानी कि ये जो है आपको लेसेस फेयर का जो पॉलिसी था जो हम लोग कल आपको डिस्कस किए थे, लेसेस फेयर का पॉलिसी पे ये बिलीव करने वाला था, लेसेस फेयर पे ये बिलीव करने वाला था, यानी कि ये चाहता था कि गवर्नमेंट जो है आपको इंटरवेंशन नहीं करे, यानी कि डिप्रेशन यदि आ भी गया है तो गवर्नमेंट इसमें आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करे। अभी का समय में क्या होता है, यदि आपको रिसेशन होता है, मंदी होता है, तो गवर्नमेंट क्या करता है, उससे बाहर आने के लिए जो है आपको इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देता है, मनी सप्लाई को बढ़ाता है इकोनॉमी में, ताकि आदमी के पास में पैसा आएगा तो फिर डिमांड क्रिएट होगा, आदमी खरीदेगा, तो फिर जो है ओवर प्रोडक्शन नहीं, ओवर सप्लाई नहीं होगा। लेकिन उस समय क्या हुआ था, महामंदी में आपको गवर्नमेंट को इंटरवेंशन पे आपको सोचना पड़ रहा था, क्योंकि आपको सेज लॉ ऑफ मार्केट बोलता था कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। तो ये आपको मिसकॉन्सेप्शन था, ये मिसकॉन्सेप्शन था सेज लॉ ऑफ मार्केट जो कि आपको क्रिएट किया था। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई जो है खुद अपना डिमांड क्रिएट कर लेगा, कभी भी ओवर सप्लाई होगा नहीं, और अनएम्प्लॉयमेंट आपको होगा भी नहीं, इकोनॉमी में रिसेशन आएगा भी नहीं। तो फिर कैसे आया, फिर डिप्रेशन कैसे हुआ, इकोनॉमिक क्रिएट डिप्रेशन जो हुआ वो कैसे हुआ, तो इसी चीज़ को जो आपको जेएम किन्स एक इकोनॉमिस्ट है आपको, वो इसको रिफ्यूट किया, इस लॉ को जो है आपको नहीं माना, और जो नया लॉ आया, जो नया आपको थ्योरीज को दिया है, वही फिर आगे जा कर के मैक्रो इकोनॉमिक्स बन गया जो हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो सेज लॉ ऑफ मार्केट को जो है डिस्कस हम लोग करेंगे डिटेल्स में, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि सेज लॉ ऑफ मार्केट में जो बोला गया है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये कैसे होता है, इसका क्या मतलब है, इसको ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही, हम लोग आज ग्रेट डिप्रेशन के बारे में देखें, ग्रेट डिप्रेशन जो है उसमें क्या हुआ था, कब हुआ था, और उसके बाद जो जेबी से इकोनॉमिस्ट था सेज लॉ ऑफ मार्केट वो क्या कहता है, और वो भी एक डिप्रेशन का एक वजह था, डिप्रेशन से निकलने का जो तरीका था उसको सेज लॉ नहीं बता रहा था, बल्कि ये उसको और जो है आपको बढ़ावा दे रहा था। तो इस पर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास, थैंक यू।